गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे रुको जरा, मैम भी अभी आ जाएंगी, 2 सेकेंड। सब लोग ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बस सब लोग ज्वाइन हो जाइए। ओके सो जितने आने थे आई गेस आ चुके हैं। हाँ जी, एग्जाम करीब आ रहे हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखो। चलो अभी तो तुम्हारे पता, देखो तुम्हें आज तुम्हारा एक डर, पहले मैं देख लूं, अटेंडेंस ले लूं, कौन कौन आ चुका है। ओके, प्रियंका, अमृता, हेमा, मनदीप, और कौन है? अमृता, प्रियंका, मनदीप, हेमा और अमृता। ठीक है, बाकी के कहाँ रह गए भाई? राखी एंड ऑल, राखी, अंजू, ये सब लोग नहीं है। गुड मॉर्निंग, बड़ी लंबी उम्र है भाई अंजू जी आपकी, नाम लिया और आप हाजिर। चलो आज आपको मैं थोड़ा सा, मैं अच्छा बताओ, तुम्हें ज्ञान की बात अभी बताऊं या फिर क्लास के एंड में बताऊं? जल्दी बताओ, ये जो एग्जाम से रिलेटेड है क्वेरी, अभी या फिर एग्जाम? अभी अभी नहीं बता रही, पहले पढ़ लो, उसके बाद बताऊंगी। दिख रही है मैम? दिख रही है आप तुम्हें? नहीं, तुम लोग सोचते रहो मैं क्या बताऊंगी, फिर इससे ना तुम लोग गायब हो जाते हो ना बीच में। गायब नहीं होगे, लास्ट में बताऊंगी मैं। चलो तो आज हम अपना करने वाले हैं, आज क्या करने वाले हैं कौन मुझे बताएगा? कल कहाँ पे छोड़ा था हमने? हाँ, मैं आफ्टर दी क्लास बताऊंगी। बताओ भाई। होम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे? अच्छा, हम लोग होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या फिर इंटीरियर डिजाइन पढ़ रहे हैं, बताना जरा। यस, होम मैनेजमेंट यूजिंग इको फ्रेंडली बिल्डिंग। यस एग्जैक्टली अमृता जी, चलो किसी को तो याद है, तो आज हम लोग वही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब कल जो हमने अपना किया था ना, वो कल क्या किया था कि हमारे कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब हमारे पास में है, गुड मॉर्निंग, अब हमारे पास में है कि जब भी हम लोग अपनी बिल्डिंग बनवाएं, तो वहां हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हम लोग अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली मीन्स कि आपके वातावरण के अनुकूल हो।
वातावरण के अनुकूल क्यों कहा गया है? देखो, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि एक इससे आपका क्या है, प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता, बट आपका जब घर बनाते हैं ना, तो सीमेंट हो गया और आपकी ब्रिक्स हो गई और बालू, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं एयर में। ठीक है, तो पहली चीज, अगर आप इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज कर रहे हो तो आप प्रदूषण से बच जाते हो। दूसरी चीज कि ये घर को एक शुद्ध वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये रीजन है कि हमें इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज करना चाहिए। दूसरी चीज, ये घर में रहने वाले लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। मतलब हम कह सकते हैं, अगर हम क्वालिटी मटेरियल का यूज कर रहे हैं, इट मींस इट गिव्स अस अ क्वालिटी लाइफ, है ना। अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे जो कि इको फ्रेंडली है, जिससे कि आपके वातावरण को कोई भी हानि नहीं हो रही है, तो वातावरण को हानि नहीं हो रही तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लाइफ है वो भी तो बढ़ेगी ना कहीं। सो दीज आर दी थिंग्स विच वी हैव टू मेक श्योर वाइल कंस्ट्रक्शन आवर बिल्डिंग। ठीक है, काफी दिनों से भाई खुशबू नहीं ज्वाइन कर रही है, क्या हो गया है? देखो, पता है, रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख ले तो, मैं मना नहीं कर रही हूँ रिकॉर्डेड क्लासेस की, आप लोग देखो, खूब शौक से देखो। बहुत मतलब हो जाता है बहुत बार टाइम कि आप नहीं ज्वाइन कर पाते हो लाइव क्लासेस पे, बट कोशिश ये किया करो कि ज्यादा से ज्यादा आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लिया करो। और उनका तो मुझे पता ही नहीं जो बिल्कुल भी ज्वाइन ही नहीं करते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस में ये होता है ना कि आपके, एक तो देखो दो फायदे होते हैं। पहली चीज ये होती है, एक तो आपकी टाइम पे ही स्टडी हो जाती है, आप बाद में अगर टाइम निकालोगे रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखते हो ना, एंड आई एम श्योर कि आपके पास तब भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस रहता होगा, घर से कोई आ गया या फिर किसी ने कुछ कह दिया आपको, तो आप वीडियो पॉज करके तब आप चले गए, ये चीज रहती है। लेकिन लाइव क्लासेस में क्या रहता है, आपके पास एक्सक्यूजेस देने के लिए एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं, है ना। वहां पे आपको अगर कोई आ भी जाता, आप क्या कहते हो, अरे अभी मेरी क्लास चल रही है, आप बाद में आना, आप ये कह देते हो अगर कोई आपको डिस्टर्ब भी करता है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, तुरंत के तुरंत पूछ सकते हो, बट ये ऑप्शन रिकॉर्डेड क्लासेस में नहीं है, है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपना ये रिकॉर्डेड क्लास ही देखा करो, क्योंकि ये आपको ना एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपकी क्विक इंटेलिजेंस देखता है। अब जैसे कि आप एग्जाम में भी जाते हो, एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो वहां पे ये तो नहीं है ना कि आपका, चलो 3 घंटे का पेपर है और जब आप एकदम रिलैक्स फील करोगे तब जाके वो एग्जाम दोगे, वो तो नहीं होता है ना। चाहे आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, फिर भी आप 3 घंटे का एग्जाम देते हो। क्या वहां पे आप बहाने लगाते हो कि नहीं मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है? बहुतों की, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती, हॉस्पिटल से उठ के जाते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, तब कैसे तुम एग्जाम दे आते हो? उस चीज को भी तो सीरियस लेते हो ना, तो इस चीज को भी थोड़ा सीरियस ले लिया करो, है ना। यस, बिल्कुल हेमा मंदी, बिल्कुल। यस, मैसेज 2 बार जा रहे हैं, पता नहीं, मेरे पास तो एक ही बार आ रहा है। मैंने लिखा है कि जो आपके इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, ये वातावरण के अनुकूल होते हैं, जिससे आपका प्रदूषण नहीं होता है। मैंने प्रदूषण गलत लिख दिया, बताओ यार, सच में तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी हिंदी पता नहीं क्या ही हो गई है। अरे एंड आई एम डेफिनेटली कि आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, और घर को शुद्ध वातावरण प्रदान करता है। थर्ड लाइन में ये है, घर में रहने के साथ साथ बाहर के लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहता है। ठीक है,
तुम लोग यार अभी से इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू। चलो अब इस घमंड में मत आ जाना, ठीक है? अपने अंदर ये जो अपनी इंसानियत है इसको बचा के रखना। अच्छी बात है कि आप लोग ये मैनेज कर पा रहे हो ये सभी चीजें। आप जब कुछ अचीव कर लोगे ना, तो यू आर ए इंस्पिरेशन फॉर समवन, आप किसी की इंस्पिरेशन बनोगे। क्योंकि पता है, हम लोग अगर अपनी स्टोरी किसी को बताते ना, तो हर कोई हमारी स्टोरी सुनने को इंटरेस्टेड नहीं रहता है। स्टोरी भी लोग तभी सुनते हैं हमारी, जब हमने कुछ हासिल कर लिया होता है। जब पता है एक दिन आप अपना ये जो ड्रीम है उसको अचीव कर लोगे ना, तब आप लोग कहोगे कि अरे यार, हमने देखो इतनी हमारे पास में वो रुकावटें आई, बट स्टिल हमने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। तो ये चीज क्या है कि ये कहीं ना कहीं, जब आप अपना अचीवमेंट पा लोगे, तब आप लोगों को ये चीज बताओगे ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी उनको इंस्पायर करेगी कि अगर ये अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, है ना? तो चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना? काफी सारा मोटिवेशन हो गया, ना चाहते हुए भी मोटिवेशन हो गया। तो देखो बैम्बू में क्या होता है, बेसिकली आपके बैम्बू, आप लोगों ने देखा है ना, पहले के आप लोगों ने घर देखे थे, राइट? पहले के घर देखे थे ना, तो पहले की आप लोगों ने झोपड़ियां वगैरह देखी होंगी जो लोग डाल लेते, जिसको क्या है शायद से खप्पर कहा जाता था। अब आई डोंट नो आपके यहाँ क्या कहा जाता था, हमारे यहाँ तो खप्पर कहा, खप्पर या फिर छप्पर कुछ ऐसे ही कहते थे, है ना? तो बैम्बो क्या होते हैं, बेसिकली बैम्बो को हम लोग यूज कर लेते हैं अपने रूफ के लिए, छत के लिए यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो भी सनलाइट वगैरह होती है वो डायरेक्टली नहीं आ पाती है आपके रूम में, दूसरी चीज ये सस्ते होते हैं, ठीक है? एंड थर्ड थिंग इज दैट कि ये ठंडे भी रहते हैं, तो इसकी वजह से आपको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती। आप लोगों ने देखा होगा कि आप अगर कभी जाओगे ना, जो पहले के टाइम में कच्चे मकान हुआ करते थे, बट कच्चे मकान भी बहुत ज्यादा ठंडे रहा करते थे, वो गर्म नहीं होते थे। गर्मियों में भी अगर आप जाओगे उनके अंदर बैठोगे तो एकदम आपको ठंडा लगता था। लेकिन अब क्या है, इन बैम्बो की जगह पे अब क्या है, ईंट पत्थर ने जगह ले ली है। अब ईंट पत्थर क्या, उनपे सनलाइट पड़ती है तो वो कितना जल्दी गर्म हो जाते हैं और इतनी जल्दी ठंडे भी नहीं होते हैं। वहीं पे बैम्बो क्या थे कि ये आपका ठंडा रहता था, इन केस अगर ज्यादा गर्मी हो भी रही है तो उस कंडीशन में ये गर्म हो भी गए ना, तो ये लाइट जो हीट है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते थे, चारों तरफ के वातावरण को गर्म नहीं करते थे। और अगर गर्म हो भी गया, अगर थोड़ी सी ठंडी हवा चल गई या फिर थोड़ी सी बारिश पड़ गई, तुरंत ये ठंडे भी हो जाते थे। वहीं पे जो आपके ईंट पत्थर हैं, गाटर पत्थर जो आप लगाते हो, वो एक बार गर्म हो जाए तो बहुत मुश्किल से काफी घंटों के बाद वो जाके ठंडे होते हैं, इतनी जल्दी ठंडे भी नहीं होते। आप लोगों ने देखा है बारिश होती है, अगर गर्म पत्थर है तो उसमें से सबसे पहले क्या एवेपोरेशन निकलता है ना, जो गर्माहट है पत्थर की वो ऊपर निकलती है। उसकी वजह से क्या, अगर थोड़ी देर बारिश पड़ी है तो उससे क्या होगा कि इवेपोरेशन निकल रहा था उससे और ज्यादा उमस क्रिएट हो जाती है, तो वो ठंडा करने की वजह और गर्म हो जाता है। लेकिन जो आपकी नेचुरल चीजें होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या है, एक तो आपकी वेस्टेज नहीं हुई, दूसरी चीज ये सस्ता भी रहा और ठंडा भी रहा, है ना? यहाँ पे आपको एक जरूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ पे सिर्फ एक हाथ का पंखा ही आपके लिए काम कर जाता था। सर्दियों में तो गर्मियों में रातों में चादर ओढ़ ओढ़ के सोते थे, है ना? तो ये यस एग्जैक्टली हिमाजी, नेचुरल एसी। हाँ बिल्कुल मनदीप जी, तो आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? तो ये चीज होती थी पहले, जिसकी वजह से क्या है, लोगों के पास में रेडिएशन वगैरह ये सभी चीजें नहीं आती थी, तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या है कि आपका जो मकान बना हुआ है उस पे ऊपर क्या है, गाटर गाटर पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे उनकी वॉल्स हैं, उनपे पेंट लगा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सीमेंट से एलर्जी होती है, पेंट से एलर्जी होती है, लेकिन अब अल्टीमेटली रहना तो उनको उसी घर में है ना, तो अब वो एलर्जी वाली चीजों के साथ रह रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं उनकी हेल्थ पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है ना? तो वहीं पे हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज करें, जो कि इन्वायरमेंट को भी हार्म ना पहुंचा और हमारी लाइफ स्टाइल है उसको भी इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, है ना? वैल्यूएबल बना दें, क्वालिटी की बना दें।
वहीं अगर मैं ब्रिक सन ड्राइड की बात करूं तो आपके जो ईंटें जो हैं, आजकल तो बहुत सारी भट्टियां चलने लग गई हैं जिनको डायरेक्टली आग में पका दिया जाता है ईंटों को, लेकिन पहले क्या किया जाता था कि पहले मिट्टी की ईंटें बनाई जाती थी, उनको धूप में सुखाने के लिए रखा जाता था, है ना। तो वो चीज वो इतनी हार्म नहीं करती थी क्योंकि वो नेचुरल नेचुरल चीज नेचुरल से ही सूख रही है। यानी कि मिट्टी क्या है, एक आपका नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। सनलाइट क्या है, इट इज ऑल्सो नेचुरल। तो जब दोनों चीज आपस में नेचुरल टकराती हैं तो वो तो हार्मफुल नहीं है। बट आपकी क्या है, आपने मिट्टी ले ली है वो नेचुरल ले ली है, आग ली है वो आपने आर्टिफिशियल आग जलाई है, भट्टी में आग जलाई है आपने। तो अब वहां पे अगर सपोज कर लो आपने कोयले की आग जला दी है, तो कोयला भी तो आपके लिए हार्मफुल होता है या नहीं होता है ना। तो उसकी वजह से भी आपको परेशानियां देखने मिल जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई मटेरियल यूज कर रहे हो तो आप जो धूप में सूखी हुई ईंटें होती हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो जो कि हार्मफुल नहीं होती हैं। उसी के अलावा कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड का यूज कर सकते हो और टाइल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके घर के लिए बोर्ड्स कौन से, आप लोगों ने देखा होगा ना काफी सारे मोटे मोटे बोर्ड जो रहते हैं वो यूज होते हैं चिमनी। यस एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। कच्ची ईंटें पहले यूज करते थे। अरे कच्ची ईंटें भी छोड़ो, लोग तो पहले क्या है मिट्टी से घर बनाते थे, है ना। अगर ईंटें भी वो लगाते थे तो ईंटें तो बस नाम मात्र के लिए लगा लेते थे, लेकिन ज्यादातर वो मिट्टी से ही अपना घर बना लेते थे पूरा। यानी कि पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सीमेंट की जगह पे ना वो मिट्टी से अपना पूरा घर चिनते थे। अब तो आपने अगर कहीं देख लिया ना तो अब तो हम खुद ही हंसेंगे उस चीजों पे। बट ये नहीं समझ रहे कि लाइफ स्टाइल कितनी खराब हो चुकी है। क्ले रूफिंग टाइल्स आती हैं, आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्लिप्सम बोर्ड आते हैं, अगेन ग्लिप्सम जो बोर्ड जिप्सम जो बोर्ड होते हैं वो अगेन मोटे से होते हैं ये, है ना, जो टाइल्स वगैरह को लगाने के लिए यूज होते हैं। प्लास्टर ब्लॉक्स, जिप्सम प्लास्टर, फाइबर, जूट, सीशेल, ग्लास, आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो एज अ इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल, है ना, जो आपके लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। हाँ अभी अभी कुछ मोस्टली आप देखोगे तो राजस्थान के कुछ एरियाज हैं वहां पे भी अभी लोग यही यूज करते हैं अपना ट्रेडिशनल। और आप साउथ की साइड चले जाओगे तो वहां पे भी आपको कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे उन्होंने अपने रिलीजियस से रिलेटेड चीजें अभी भी रखी हैं, उन्होंने उनको खोया नहीं है। सो दीज आर दीज सम थिंग्स, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ग्रीन रेटिंग सिस्टम, ये आपका अगेन इको फ्रेंडली में आता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ टूल दैट इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिल्डिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। यानी कि यहाँ पे आपकी क्या है कि एक टूल होता है ग्रीन रेटिंग सिस्टम के लिए, एक टूल होता है जो आपकी बिल्डिंग और इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है एनवायरमेंट पे ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। है ना, तो वहां चीजें क्या होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, ठीक है। अब हर कितने डायरेक्शन होते हैं हमारे, फोर डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, ये सारे के सारे डायरेक्शन होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपना क्या है, आप अपना घर एवल कंस्ट्रक्ट करते हो। तो जब आप अपना घर बनाते हो ना तो सबसे पहले साइट चूज करने से पहले ही ना आपको देख लेना चाहिए कि आप किस जगह पे अपना घर ले रहे हो। कहीं आप इंडस्ट्रियल एरिया में अपना घर ले रहे हो या फिर आप एक ऐसी जगह घर ले रहे हो जहाँ पे एकदम शांति रहती है, हिल स्टेशन पे ले रहे हो, किस तरीके की जगह है उसी तरीके से आपको अपनी जो बिल्डिंग की जो साइट है उसका चुनाव करना चाहिए।
पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट थिंग इज साइट, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर जब आप अपने घर का बना घर बनवा रहे हो तो इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज करो, है ना। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि जब आप अपना घर बनवा रहे हो तो कोशिश किया करो कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही आपका घर बना रहे, या फिर ज्यादा होता है ना 4 मंजिल 5 मंजिल इतना नहीं बनवाना चाहिए, है ना। वो एक तो आपके घर के लिए भी ठीक नहीं होता और दूसरी चीज इन्वायरमेंट के लिए भी वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग रिशु, आज भी आप लेट हो गए। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपकी रहती हैं ग्रीन रेटिंग सिस्टम में, जहां पे एक बेसिकली टूल यूज किया जाता है जो आपकी बिल्डिंग की परफॉर्मेंस को देखता है, यानी कि बिल्डिंग की परफॉर्मेंस कैसे। चलो एक चीज आपको बता रही हूँ, एक घर है आपका जो नया बना हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज द ओल्ड, ये आपका पुराना घर है। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, हाँ मैं वही समझा रही हूँ, दो बातें हो सकती हैं। ग्रीन रेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक आपका कोई टूल होता है, ठीक है, उस टूल को यूज किया जाता है आपकी बिल्डिंग चेक करने के लिए कि आपकी बिल्डिंग की कंडीशन कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बिल्डिंग को खत्म करना पड़ेगा, है ना, या फिर आपकी बिल्डिंग को रिपेयरिंग की जरूरत है, ये सभी चीजें बताती है। और दूसरी चीज, आपने जो अपनी बिल्डिंग में मटेरियल यूज किया है, क्या वो मटेरियल आपके हमारे जो इन्वायरमेंट है आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीजें आपकी चेक की जाती हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि आपने नया घर बनवाया, नए घर में मैं अगेन आपको बोल रही थी सारी की सारी चीजें आपने आर्टिफिशियल यूज की हैं, मतलब सीमेंट हो गया आपका, है ना, कॉन्क्रीट हो गई, ये सभी चीजें आपने यूज किया, कुछ भी आपने इको फ्रेंडली यूज नहीं किया है। वहीं सेकेंड हैंड पे क्या है, इन्होंने क्या है, इको फ्रेंडली मटेरियल यूज किया है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आप घर बनवाते हो, 1-2 महीने नहीं होते और आपकी दीवारों पे क्या है, पपड़ी सी जमने लग जाती है, ऐसा होता है या नहीं होता है बताओ, बताओ कि जब आप नया घर बनवाते हो 1-2 महीने बाद आप देखते हो कि आपकी पपड़ी छूटने लग जाती है ना। तो वो इसी वजह से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो बिल्डिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं ना उस वजह से होता है। बहुत बार क्या हो जाता है, या तो आपने जिस जगह घर बनवाया है उस जगह पे काफी ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ये उस वजह से हो जाती है, सीलन जो आती है मॉइस्चर की वजह से ही आती है। या तो आपका ये सीन हो सकता है कि जब आपने अपना घर बनवाया था तो वहां पे बालू की मात्रा ज्यादा मिला दी हो, है ना। अगर ज्यादा बालू की मात्रा भी मिला देते हैं ना, तो उसकी बालू क्या होती है, बालू कभी भी टिकती नहीं है, आप उसमें पानी भी मिलाओगे ना तो पानी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत सूख जाएगा, फिर वो झड़ना स्टार्ट हो जाती है। सेम कंडीशन आपके घरों में होती है जब आप बालू का ज्यादा उपयोग कर लेते हो, तो उस वजह से क्या है कि अब वो दीवार पे स्टिक होके तो नहीं रहेगी ना, क्योंकि बालू तो झड़ती है भाई, और अब जब आपने उसको दीवार पे लगाया है, माना कि सीमेंट के साथ में है वो, लेकिन अब क्या है वो हटना शुरू हो जाएगी वहां से, और वो हटना शुरू हो जाती है उसी वजह से आपकी क्या है कि वहां पे मॉइस्चर कंटेंट जाता रहता है, जिस वजह से आपकी सीलन आ जाती है और पपड़ी हटने लग जाती है, ठीक है, ये भी चीज होता है। दूसरी चीज, सीलन इस वजह से भी आती है जब आपका घर बन रहा होता है ना, तो जब आपका प्लास्टर हो जाता है तो जितना हो सके उतना आपकी वॉल पे पानी डालना चाहिए, उससे क्या होता है कि जितना भी आपका प्लास्टर है वो अच्छे से सेट हो जाए और उसको नेचुरली उसको सूखने देना चाहिए। ये नहीं कि आपका प्लास्टर गीला था और तभी आपने क्या है उस पर पेंट करवा दिया या पुट्टी करवा दी, ये चीज नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से उसको अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करने दो, दीवार को एब्जॉर्ब करने का नेचुरल वे में उसको ड्राई होने दो, उसके बाद में आप अपना सेकेंड स्टेप उस पर फॉलो करो, है ना। बेरिती बोलते हैं, ओके बोलते होंगे, कोई बात नहीं रेशु जी, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लिया कीजिए,
ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करके अपने डाउट पूछ के फिर चले जाए करो, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपनी फैमिली के साथ साथ अपना भी ध्यान रखो और अपनी स्टडी का भी, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप लाइव क्लास ज्वाइन करो या ना करो, मैं ये स्पेशली आप ही को बोल रही हूँ, है ना, और किसी को औरों को तो मैं डांटती हूँ, मैं बोलती हूँ कि लाइव क्लास ज्वाइन किया करो, है ना, कोई बात नहीं, देखो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से करो, जैसा आपको ठीक लगे वो चीज करो, बिकॉज हेल्थ इज फर्स्ट, फैमिली और हेल्थ सबसे पहले है, ठीक है, बस कोशिश ये किया करो कि पूरे दिन में आप 1 घंटा जरूर निकाल पाओ, चाहे कभी भी निकालो, ताकि आप अपनी क्लासेस कर लो, कल के लिए चीजें मत डाला, कल के लिए कभी भी मत डालना, आप पूरे दिन में कभी भी टाइम निकालो, बट निकालो, है ना, और कोई भी दिक्कत हुआ करे आप पूछ लिया करो, बेझिझक आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रीन रेटिंग सिस्टम। अब वही मैं ओल्ड हाउस की मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या, ये नया हाउस था, 1-2 महीने में इसमें क्या है, पपड़ी आन निकलने लग गई, सीलन लग गई, वही ओल्ड हाउस है। अब इन्होंने क्या है, दोनों टूल यूज किए, दोनों पे टूल यूज किया, अप्लाई किया, वहां पे उन्होंने देखा कि ये नया घर बना है लेकिन स्टिल इसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और जो घर की कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है, वहीं पे ये क्या है, इसको एक अच्छी क्वालिटी का माना गया, क्योंकि एक तो यहाँ इको फ्रेंडली यूज किया गया और दूसरी चीज इसमें अभी भी कोई भी खराबी नहीं देखी गई है। तो ये होता है, आप लोगों ने देखा है ना, कई बार आपने देखा है कि आपके सर्वे होते हैं तो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं उनको तोड़ दिया जाता है, क्यों तोड़ दिया जाता है, पहला रीजन तो यही होता है, या तो वो गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बनी हुई होती है ना, और या फिर दूसरा ये होता है कि वो बिल्डिंग जो है वो इस कंडीशन में हो जाती है कि अगर वहां पे कोई रहा तो उसकी जान खतरे में जा सकती है, उस वजह से भी बिल्डिंग्स को हटाना पड़ता है। तो ये 2 रीजन रहते हैं आपके, तो ये रीजन, अब हमें कैसे पता चलता है कि बिल्डिंग हमारी खराब हो गई या नहीं हो गई, तो उसके लिए हम ये ग्रीन रेटिंग सिस्टम टूल का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यस एग्जैक्टली, बिल्डिंग की बुनियादी खत्म हो जाती है, जैसे कि यार आप लोग बुढ़ापे में जाके थक जाते हो ना, सेम बिल्डिंग भी है वो बहुत पुरानी हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि रिनोवेट कराते रहना चाहिए अपनी बिल्डिंग्स को, ये नहीं कि एक बार बनवा लिया काम खत्म, नहीं, हर चीज मेंटेनेंस मांगती है, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, है ना, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी, चाहे सिंपल मैं इतना बोल रही हूँ, चाहे जीव है या जिंदा या फिर मुर्दा, चाहे जिसमें जान है या नहीं है जान, हर किसी को मेंटेनेंस की जरूरत है। आप 2 दिन अपने बेस्ट फ्रेंड से बात मत करो, फिर देखो उनका गुस्सा दूसरे के पास भाग जाएंगे, अपनी फैमिली में आप किसी को टाइम मत दो, क्या कहेंगे, अरे आजकल तो तुम बहुत बिजी रहने लग गए हो, हमारे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो टाइम तो देखो भाई, सब लोगों को चाहिए, हर किसी को टाइम चाहिए, आपके कपड़े भी आपसे आपका टाइम मांगते हैं, कपड़े भी कहते हैं अरे मालिक मुझे देख लो, मुझे भी पहन लो, ऐसा ना हो कि मैं रखे रखे ही मैं खराब हो जाऊं, मुझ में फफूंद लग जाए, है ना, ये भी चीज होती है, तो मेंटेनेंस तो भाई सबको चाहिए, एवरीथिंग नीड्स मेंटेनेंस। देखो मैंने अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया और मेरी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आ रही है, बट आई कांट अटेंड इट, इसकी भी बहुत लंबी उम्र है, बस 1 सेकंड मैं इसको बोल दूं, ठीक है, हेलो, मैं अभी थोड़ी देर में कर रही हूँ, ठीक है, अभी क्लास में हूँ, ओके, ये भगवान, ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ग्रीन रेटिंग सिस्टम क्या है, आवाज आ रही है ना मेरी,
ठीक है चलो, तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी बताऊंगी, तुम्हारे एग्जाम के बारे में भी बताऊंगी, पहले पढ़ लो ठीक है, उसके बाद। तो यहाँ पे क्या है, हमने ग्रीन रेटिंग सिस्टम में क्या देख लिया कि आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली घर है या नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ग्रीन बिल्डिंग, जो आपकी बेसिकली हम लोग ग्रीन बिल्डिंग क्यों कहते हैं, ये बेसिकली जो काम करती है वो 4 R's पे काम करती है। वो कैसे, कि आपका रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिन्यूएबल प्रिंसिपल, ये 4 प्रिंसिपल होते हैं जिन पे ग्रीन बिल्डिंग जो है या फिर ग्रीन हाउस जो है वो वर्क करती हैं। रिड्यूस की अगर मैं बात करूँ तो आपका पॉल्यूशन रिड्यूस करने में, ठीक है, कि ऑब्वियसली बात है ना, पॉल्यूशन रिड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे क्या है कि अगर आप ज्यादातर इको फ्रेंडली चीजों का यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होता है आपका कि जो कार्बन डाइऑक्सीजन होती है तो उसका क्या है, इमल्शन जो होता है ना, वो ज्यादा नहीं होता है। आप लोगों ने देखा है ना, जिस जगह पे ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं वहां आपको कितनी एकदम फ्रेश एयर मिलती है ना, आप आसानी से सांस ले सकते हो, खुल के सांस लेते हो, तो वहां पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपोजिशन ज्यादा नहीं होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल एरिया की, चले जाओ तुम दिल्ली चले जाओ, वहां देखो सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा तुम्हारे लिए, इतना ज्यादा वहां पॉल्यूशन है। तो ये चीजें आपकी क्या है, ऐसा क्यों होता है कि एक तो अगर ग्रीन बिल्डिंग आपकी होती है, ग्रीन बिल्डिंग से अगर मैं ग्रीन बिल्डिंग टर्म यूज करूँ तो समझ जाना कि वहां पे हम इको फ्रेंडली मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या, एक तो आपका ये पॉल्यूशन रिड्यूस करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो रिड्यूस करती है, ठीक है। हाँ दूसरी चीज, रीयूज भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रीयूज के लिए आपको बताऊं, आपने अपनी बिल्डिंग बनाई है ठीक है, वहां पे अगर आपका कुछ छत पे आपने सपोज कर लो बेम्बो रूफ आपने डाली है, बेम्बो रूफ को आप क्या कर सकते हो, हल्की सी रिपेयरिंग करके उसको फिर से यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना, तो वो चीज आपकी रीयूज में आ जाती है। या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपके फॉर एग्जाम्पल आपके जब आप मार्केट जाते हो, आजकल तो मैं एक चीज बताऊं जो ट्रेंडिंग में है बहुत ज्यादा, पता नहीं ये मैंने नहीं देखा था मंदीप जी, ये नहीं देखा मैंने। तो देखो आपको एक चीज बताऊं, आप लोगों ने वो देखे हैं चावल देखे हैं, रीयूज की ही मैं बात कर रही हूँ, आपके रीयूज की कैटेगरी में बता रही हूँ, है ना। तो चावल के जो छिलके होते हैं है ना, जिसको आई गेस धान कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, तो हस्क एक तरीके से इंग्लिश में जो कहते हैं, अब ये जो होती है ना, इससे आपके इनको फेंकते नहीं है। पहले क्या होता था कि चावल निकाला, जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है चावल निकालने के बाद में उसको जला दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती थी और आपका पॉल्यूशन क्रिएट होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो बेंगलोर की है या फिर किस जगह की है, बट एक कंपनी है जो क्या करती है, जितने भी फार्मर्स होते हैं उनसे वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट करती है और उनको बोलती है कि आपकी जब फसल पूरी तरीके से पक जाए, आप अपना जो चावल है जो भी आपका अनाज है आप उसको निकालने के बाद में, उसके बाद जो आपके पास वेस्ट मटेरियल बचता है आप उसको फेंकना मत, बल्कि हमें सेल आउट कर देना, हम उसके आपको पैसे भी देंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि वो लोग इस चीज का करते क्या है, वो लोग करते हैं कि जिस तरीके से आपकी लकड़ियों को काट के आपका फर्नीचर बनता है ना, सेम वो इस हस्को को ले लेते हैं, आपके इस धान को ले लेते हैं और इससे फिर वो लोग क्या करते हैं कि इसको पूरा मिक्सचर करके अच्छे, उनके पास प्रॉपर मशीन है, अगर मेरे पास वो वीडियो होगी तो मैं आई विल शेयर द वीडियो, मैं देखूंगी, यहां तक के शायद होनी चाहिए मेरे पास में, हाँ है ना। तो वहां पे क्या है, वो इस हस्क को वो फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है इस फर्नीचर की क्या होती है,
ये आग भी नहीं पकड़ते हैं। अगर आप इसको फ्लेम वाली जगह पर रखोगे ना तो वो आग भी नहीं पकड़ेंगे, तो ये चीज इसकी बेस्ट है। तो आप लोगों ने देखा ना किस तरीके से हमने उसको रीयूज किया, हमने फेंका नहीं बल्कि उसको यूज कर लिया। ठीक है, तो ये रिसाइकिल क्या होता है, रिसाइकिल अगेन। रिसाइकिल और रीयूज तो वो होता है कि आप एक ही चीज को आप बार बार यूज कर रहे हो। रिसाइकिल में ये होता है कि आप थोड़ा बहुत चेंज करके बाद में आप फिर से उस चीज को यूज करने लग जाते हो, वो आपका रिसाइकिल होता है। ठीक है, फिर होता है रिन्यूएबल प्राइस प्रिंसिपल। रिन्यूएबल प्रिंसिपल में क्या होता है कि अगेन आपकी जो चीजें हैं उनको आप थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक वे में आप उनको परिवर्तित करते हो, फिर तब जाके आप उनको यूज करते हो, है ना। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है कि आपकी अगर कोई चीज पुरानी हो गई है तो आप उसको अगेन उसको रिन्यू कर देते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया, सपोज करो यार आपने मिक्सी ले ली है ना। मिक्सी लेने के बाद में, या फिर आप यही समझ लो आपने जो अपनी लैंड ली है ना, उस लैंड पे क्या आप क्या करते हो कि आपको शायद से एग्रीमेंट दे दिया। जैसे कि मैं आपको कुछ बताऊं, गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज पे क्या होता है कि वो एग्रीमेंट आपसे कराते हैं कि आप इतने टाइम तक आप यहाँ पे रह सकते हो। जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाता है ना, वो टाइम खत्म होने के बाद में अगेन आपको रिन्यू कराना पड़ता है उसको। रिन्यू यानी कि फिर से नया कराना पड़ता है आपको उसको, ताकि आप उसको कंटिन्यूशन में आप उसे यूज कर पाओ, कोई रुकावट ना आए। सेम थिंग आपकी यहाँ पर भी होती है। तो ये फोर प्रिंसिपल्स हैं, वो ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, यस एग्जैक्टली, एग्रीमेंट साइन कराते हैं वो। अब आपके कुछ ग्रीन हाउस से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके बेसिकली यूज होते हैं आपके एनर्जी एफिशिएंट के लिए, जहाँ पे ये एनर्जी जनरेट करते हैं, हीटिंग से रिलेटेड होते हैं, कूलिंग से रिलेटेड होते हैं और लाइटनिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जो आपका ग्रीन हाउस के जो कंपोनेंट हैं वो तीन हैं, सिविल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और स्पेशल टेक्निक्स। तो देखो मैं आपको सिविल कंपोनेंट के बारे में अगर मैं बताऊं, सिविल से आप लोग क्या समझ रहे हो? सिविल इंजीनियर आप लोगों ने सुना है, वो एक सीरियल आता था ना भाभी जी घर पे हैं, तो वहां पे विभूति नारायण मिश्रा कौन थे, वो सिविल इंजीनियर कहते रहते थे ना कि मैंने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की है मैंने। हाँ, तो सिविल कंपोनेंट से आप ये समझो सिंपली सिविल सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सिविल से मतलब क्या है? यस वेरी गुड, जो मैं पूछना चाह रही थी उससे पहले ही आपने आंसर दे दिया, क्या बात है। तो सिविल सर्विसेज के मतलब होता है कि आप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो, ठीक है, बिल्डिंग बनवाते हैं, बनवाते हैं नहीं भाई, खुद बनाते हैं सिविल इंजीनियर्स, तो कंस्ट्रक्ट खुद करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ सिविल सर्विसेज में क्या आ जाता है कि यहाँ पे मोटा मोटा आप लोग एग्जाम्पल देखो, गोकुलधाम सोसाइटी देखी है सब लोगों ने? एक्चुअल में नहीं देखी है, टीवी में देखी है ना। तो अब वहां पे जो लोग रह रहे हैं, अगेन वो सोसाइटी है, तो वहां पे उनकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ड्रेनेज है, ठीक है, वेस्टेज है, तो ये सभी चीजें क्या हैं, एक ही जगह से ही तो सप्लाई हो रही है। तो ये सभी चीजें क्या हैं, एक ही जगह से सप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे आपका यही आपका सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आता है। सिविल सर्विसेज वो होती हैं जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहां पे जो भी आपको सप्लाई मिल रही है वो इस तरीके की सप्लाई होनी चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। क्योंकि जितनी भी आपकी सिविल सर्विसेज होती हैं वो पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं होती है, मतलब पूरी की पूरी आवाम के लिए होती हैं, जितने लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, आप लोग देखा होगा कि चलो आप सोसाइटी भी छोड़ दो, आपकी कॉलोनी होती है तो हर कॉलोनी वाइज आपकी इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग होती है कि नहीं होती है, कि अरे अच्छा ये कॉलोनी है तो इसकी इस कॉलोनी की इलेक्ट्रिसिटी है उस पोल से जुड़ी हुई है, इस घर का पानी है, पानी कहाँ से आ रहा है, उस जगह से आ रहा है, ड्रेनेज है इस जहाँ पे जितने भी घर हैं उन सब का ड्रेनेज कहाँ जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह पे जाएगा।
जितने भी घर हैं ये कूड़ा कहाँ डालेंगे, इस जगह पे कूड़ा डालेंगे। तो ये सभी चीजें क्या है, आपकी सिविल कंपोनेंट में आ जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जिस भी जगह पे घर ले रहे हो तो साइट चूज करने से पहले ही आपको देख लेना चाहिए कि वहां पे जो वाटर है वो किस तरीके के सप्लाई होता है, कहाँ से पानी आ रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है। जैसे कि आजकल दिल्ली में आप लोगों ने देखा है तो सब जगह आप लोगों ने क्या देखा है कि हर जगह पे जो क्या है गैस पाइप डले हुए हैं। किसी के भी घर में आपको सिलेंडर देखने को नहीं मिलेगा, हर किसी के घर में आपको गैस पाइपलाइन देखने को मिलेगी। यानी कि जो वहां पे आपका गैस आती है वो पाइप से रिलीज होती है, ना कि आपके सिलेंडर से रिलीज होती है। ठीक है, यस। फ्यूज अलग अलग होता है लेकिन जनरेटर वो आपका क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म तो एक ही होता है ना। फ्यूज अलग अलग कह सकते हो, वो ट्रांसफॉर्म सबका एक ही होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिविल कंपोनेंट में आपका क्या चीज आ रहा थी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी ये चीज भी आ जाती है कि आपका ये जो जितने भी आपके घर वगैरह बने हुए हैं वो इस तरीके से बने हों कि वहां पे ज्यादातर ऐसा ना हो कि कुछ इंडस्ट्रियल वर्क होता हो। इंडस्ट्रियल वर्क होता होगा तो आपको क्या है वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगी जो कि हार्मफुल है। नहीं, खतरा नहीं होता है वहां पे। नहीं देखो, वो चीजें आप किस तरीके से, वो जितनी भी पाइपलाइन है ना वो पाइपलाइन सारी अंडरग्राउंड डाली गई है तो उससे कोई खतरा नहीं होता। और जो वहां पे पाइप यूज किए गए हैं ना वो पाइप प्लास्टिक के पाइप यूज नहीं किए गए हैं, वो अच्छी क्वालिटी के अच्छे मेटेलिक जो पाइप हैं वो यूज किए गए हैं। अब यहाँ पे देखो, आपके पाइप में क्या होता है, जो आपके सिलेंडर वाले पाइप होते हैं ना उनमें क्या होता है कि कई बार ये आपको खतरा रहता है अगर किसी ने उस पाइप को बीच में से काट दिया तो वो गैस लीकेज हो जाएगी, है ना। तो उस वजह से आपको खतरा रहेगा। लेकिन ये जो पाइप होते हैं अच्छे तरीके से पूरा आपको बनाए जाते हैं, पूरी इनकी अच्छी कवरिंग दी जाती है और ये डायरेक्ट आपकी गैस से ही रिलेट होते हैं। आप गैस को भी मूव नहीं कर सकते हो, गैस भी मूव नहीं कर पाते हो और पूरा ये ट्रांसफर होता है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि हर एक चीज के देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर किसी चीज के होते हैं। इसके भी अपने कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि जब आपका कोई काम चलता है ना, यानी कि इनकी हमेशा रिपेयरिंग होती रहती है, रिपेयरिंग इन द सेंस कि इनकी भी मेंटेनेंस होती है। तो जब इनकी मेंटेनेंस होती है ना तो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है, जो भी इसके हेड होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके जितने भी मकानों में सप्लाई जा रही है उन सभी जगहों पे मैसेज डाल देते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आपकी गैस सप्लाई नहीं होगी, बंद की जा रही है। तो यहाँ पे एक इसका ये डिसएडवांटेज रहता है। अगर किसी एक घर के में, किसी घर के आसपास भी अगर कोई आपकी पाइप में कोई दिक्कत आ रही है ना तो वो चीज सबको फिर सफर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन तो सबके घर एक ही जगह से जा रही है, तो अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो सबको सफर करना पड़ेगा, सबकी पाइपलाइन बंद हो जाएंगी। ये यहाँ पे डिसएडवांटेज रहते हैं। और खुद की होती है तो उसमें तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं रहता, आप कितनी भी उसको यूज करो, कभी भी यूज करो, कुछ भी यूज करो, बट यहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये इसका डिसएडवांटेज रहता है। और यहाँ पे ये जो आपकी जितनी भी ये यूज होती है ना, जितनी भी आपकी गैस यूज होती है उसके लिए आपका अलग से मीटर लगा होता है, तो जितनी आप गैस यूज करते हो वो वहां पे लिखा हुआ भी आ जाता है, उसके फिर आपको पेमेंट देना होता है। जैसे कि अपनी तरह नहीं, जैसे अपनी तरह के हम लोग क्या करते हैं भी कि सिलेंडर लेकर आते हैं, एजेंसी से जाते हैं, वहां अपना सिलेंडर देते हैं, वहां से पैसे उनको देते हैं और अपना भरा हुआ सिलेंडर ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रॉपर आप जितने यूज कर रहे हो उतने ही आपको पैसे देने होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंतर्गत ये आ जाता है कि जब भी आप किसी भी चीज का यूज कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सिंपली आपका वायर से रिलेटेड आ जाएगा। तो यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि आप अगर वायरिंग करा रहे हो तो आपको ऐसे वायर चूज करने चाहिए जिससे ऐसा ना हो कि वो थोड़ा बहुत चले और फिर वो क्या है एकदम जल गए। जलने की वजह से आप लोगों ने देखा हो इलेक्ट्रिसिटी वायर में से जो धुआं निकलता है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ये चीज भी नहीं है कि आपको अच्छी क्वालिटी के आपको वायर्स का चुनाव करना चाहिए।
जिसकी वजह से अगर कोई हैवी चीज भी अगर यूज होती है ना, हैवी इक्विपमेंट भी अगर यूज किया जाता है तो भी उस चीज को वो झेल पाए। ये नहीं है कि सबकी लाइट ही चली जाए, वो चीज भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि पहले के टाइम में आपके क्या थे, हैलोजन बल्ब यूज होते थे, जो पीले वाले बल्ब होते थे ना। हाँ, सेम वैसे ही होता है हेमा जी, आपका दिल्ली में अब यही सिस्टम कर दिया गया है, सेम यही चीज आपको वहां देखने को मिलती है। मतलब जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही आपको देना होता है, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेज देखो, मुझे जो पर्सनली लगता है, मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि सबसे पहली चीज कि अगर किसी एक को प्रॉब्लम है तो उस एक पर्सन की वजह से सबको सफर करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी जो प्रॉब्लम लगती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अगर तबीयत ठीक नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, अपना जो भी हमारा गैस स्टोव होता है उसको हम अपने अकॉर्डिंग क्या है मूव कर लेते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, एक जगह अगर फिक्स हो गया तो एक जगह फिक्स हो ही जाता है, आप इसको मूव नहीं कर सकते हो। तो ये इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है। जैसे कि फॉर केस कि अगर मेरा कभी मन किया कि मुझे अब अपनी जो किचन है मुझे उसका चेंज करना है रूप, मुझे चीजें इधर से उधर करनी है, तो आप नहीं कर पाओगे इसमें, क्योंकि तो गैस तो आपकी एक ही जगह रहेगी ना, ये चीजें रहती हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में आपका ये होता है कि सबसे पहली चीज आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से सप्लाई हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि जिस जगह आप रह रहे हो वहां पे ट्रांसफर जो है वो हर एक दूसरे महीने में खराब हो जाता है, थोड़ा लोड पड़ा नहीं उस पे लाइट का कि वो तुरंत खराब। अब बार बार कोई चीज खराब होगी तो वो ऑब्वियसली बात है कि ना नया जो चीज आएगी जनरेटर चलाया जाएगा, जनरेटर क्या है आपके लिए हार्मफुल रहता है, धुआं निकलता है, तो ये सब चीजें होती हैं। दूसरी चीज आपकी जो आजकल आप लोगों ने देखा है कि सभी जगहों पे सबसे पहले क्या था, आपका बल्ब यूज किया जाता था जो येल्लो कलर का होता था, जो आपकी बिजली भी बहुत ज्यादा खाता था है ना, और गर्मी भी प्रदान करता था। अब बिजली ज्यादा खा रहा हो गर्मी भी दे रहा है, तो कितना ज्यादा हार्मफुल हो गया ये, है ना, क्योंकि एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा, अब लोगों को बिजली देनी पड़ेगी ज्यादा वॉट की, अगर आप बिजली दोगे तो उसमें से रेडिएशन कितनी निकलती है जो कि लोगों के लिए हार्मफुल होती है। दूसरी चीज, आपके इस बल्ब में से गर्मी निकल रही है, हीट डेवलप कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस वजह से क्या आपका जो घर का जो एनवायरमेंट है, रूम का टेम्परेचर है, वो भी इफेक्ट होगा। रूम का टेम्परेचर इफेक्ट होगा उस वजह से क्या है, आप एसी चलाओगे, अगेन एसी चला रहे हो, अगेन ज्यादा बिजली जा रही है, और एसी से जो आपका आपकी जो गैस निकल रही है वो अलग हार्मफुल कर रही है, तो ये सारी चीजें आपके लिए हार्मफुल होती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मानव थोड़ा आगे बढ़ा, उसने अपना थोड़ा दिमाग चलाया, फिर उसका क्या है CFL का निर्माण हो गया। हाँ, 100 वाट का होता था, अरे 100 वाट की बात करो, 200 200 वाट के बल्ब आते थे। फिर क्या है, आप लोगों ने CFL देखा, ठीक है। CFL क्या है, ज्यादातर CFL के बाद में हम आगे बढ़े तो आप लोगों ने देखी LED लाइट, जो ज्यादातर आपको मिल जाती है 18 वाट की। तो आप देख रहे हो कहाँ 100 वाट से आप कहाँ 18 वाट पे पहुंच गए। तो ये चीजें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी कम प्रोड्यूस करती है और लाइट इंटेंसिटी आपको ज्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। CFL थी वो थोड़ी हैवी होती थी, बस बल्ब से हल्की होती थी, बट LED से हैवी होती थी। बट LED क्या है, ये लाइट वेटेड होती है काफी ज्यादा, है ना, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी ज्यादा कंज्यूम नहीं करती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा ना कि जो चीज इन्वायरमेंट को हार्म कर रही थी आपने वो चीज हटा दी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ले आए हो आप। LED लाइट क्या है, ये आपको रोशनी भी काफी ज्यादा देंगी और आपके इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करेंगी, आपका जो रूम टेम्परेचर है उसको भी ये ठंडा रखती है, और एग्जैक्टली भाई बिल भी कम आता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कम वाट की चीज है तो ऑब्वियसली बात है कि यूनिट भी आपकी उतनी ही कम बनेंगी। आपका यहाँ पे 100 वाट का अगर बल्ब था तो आप इसको 1 घंटे भी चला लोगे तो कितनी ज्यादा यूनिट आपकी बन जाएंगी। वहीं आपका ये जो 18 वाट का जो CFL है, LED है, आप इसको 1 घंटे चला लोगे तो भी आपकी 1 2 यूनिट बनेंगी, है ना। आप लोग ये यकीन नहीं करोगे, मेरे यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं सर्दियों में, मुश्किल से मुश्किल पता उनका बिल कितना आता है, 3 से 4 यूनिट, सिर्फ इतनी ही यूनिट बनती है 1 महीने में उनकी, मुश्किल से मुश्किल मैं बता रही हूँ। और जबकि वो उनकी लाइट जलती है, चाहे वो पूरे दिन लाइट जलाएं या फिर थोड़ी देर लाइट जलाएं, बस इतनी ही उनकी यूनिट बनती है।
ये तो मैंने ज्यादा बता दिया, ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया कि इतनी बनती है, कम तो पता नहीं कितनी ही बनती है, किसी किसी की तो एक ही यूनिट बनती है। देखो ये आप कह सकते हो कि लाइट के लिए येलो लाइट ज्यादा अच्छी होती है, बट अगर मैं आपको कहूँ तो एलईडी लाइट भी, आजकल ऐसी एलईडी लाइट्स आ रही हैं जो आपकी आईज को इफेक्ट नहीं करती हैं, जो आपकी यूवी रेज को प्रोटेक्ट कर लेती हैं, तो ये इस तरीके की भी लाइट आ रही हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है स्पेशल टेक्निक्स में। स्पेशल टेक्निक्स की कैटेगरी में अगर हम लोग डालें तो हम जो अपना बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं हाँ ये चीज तो है। ठीक है, अरे भैया जैसे अभी मैंने बताया, हर एक चीज के आपके एडवांटेज भी हैं, हर एक चीज के डिसएडवांटेज भी हैं। ये आपकी आंखों को थोड़ा इफेक्ट डाल रहा है लेकिन इन्वायरमेंट को बचा रहा है, दूसरी चीज वो आपके आईज को प्रोटेक्ट कर रही थी बट इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा हार्म कर रही थी, तो हर चीज की है ना। बट अब क्या है, अब ऐसा चीज नहीं है, अब आपकी आईज को लेके भी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी तरीके से आपकी डेवलप की जा रही है, ताकि आपकी आईज पे भी इफेक्ट ना पड़े, है ना। आप इजीली अपना काम कर पाओ, यानी कि छोटा सा बल्ब है लेकिन वो सभी जगह पे आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी कि आप चारों जगह भी आप देखोगे तो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। वो चीज अब आ रही है। ठीक है, स्पेशल टेक्निक्स की कैटेगरी में अगर मैं डालूं तो स्पेशल टेक्निक्स में आपका आ जाता है कि एक तरीके से आपका इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है यहाँ। ठीक है, इकोनॉमिक आप डाल सकते हो कि चीजें आपकी यहाँ पे ज्यादा महंगी नहीं हो, सस्ती आपको मिल जाए, इजीली आपको मिल जाए, हर कोई इसको यूज कर पाए, तो वो आपका स्पेशल टेक्निक्स की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट अगेन मैं बता रही हूँ, एक एनवायरनमेंट पे होता है और एक सोसाइटी पे होता है। एनवायरनमेंट पे कैसे होता है कि जो CO2 का इमिशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, वाटर में हेल्प करती है, इकोसिस्टम में हेल्प करती है। वाटर में किस तरीके से, अगर आप अपना जो ड्रेनेज है, जितना भी आपका वाटर वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप उस अपने वाटर वेस्ट को भी, वेस्ट वाटर को भी आप यूज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने प्लांट्स में डाल देते हो। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी अगर दाल का पानी है, किसी सब्जी का पानी अगर बच गया है तो आपने उसको प्लांट में यूज कर लिया, एज अ प्लांट में क्या किया जाता है, एज अ वॉटरिंग, है ना, पानी देने के लिए यूज कर लिया। तो ये चीजें आपकी इन्वायरमेंट में ये इफेक्ट रहते हैं, और इकोसिस्टम आपका एकदम हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि आप अगर ये चीजें, आप इको फ्रेंडली सिस्टम को आप यूज करते हो तो उससे क्या हो जाता है कि इन्वायरमेंट में इफेक्ट नहीं पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो कम हो जाएगा, तो इकोसिस्टम भी है वो आपका हेल्दी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अच्छी खासी वहां पे आपको सांस लेने को मिलेगी। और इसी वजह से सोशल लाइफ में क्या हो जाता है कि आपकी जो इंडोर क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। आप अगर घर में ही अपने पेड़ पौधे वगैरह लगा रहे हो और अपने ऐसे मटेरियल का यूज कर रहे हो जिससे कि आपका घर ठंडा रहे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी इंडोर क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इंडोर क्वालिटी इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से आपकी लाइफ क्वालिटी भी हाई हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप खुली हवा में सांस ले रहे हो, अच्छी जगह पे सांस ले रहे हो, अच्छी चीजें यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली चीज है कि आप अच्छे टाइम तक जियोगे, है ना। एक चीज मैं आपको बताऊं, पता है, अब आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बट मैं तो सजेस्ट यही करूंगी कि अगर आपके पूरे दिन के 5 मिनट आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो ये 5 मिनट निकाल लो अपने लिए, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि ये 5 मिनट आपको है, तो ये सिर्फ 5 मिनट जो आप देने में बहुत ज्यादा आलस करते हो, लेकिन आपको लाइफ टाइम काफी ज्यादा बेनिफिट ये देने वाले हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, अभी विंडो भी रह गया, चलो विंडो वाला हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ये जो विंडो ट्रीटमेंट है, टाइप्स ऑफ विंडोज, टाइप्स ऑफ डोर्स, ये मैं कल करा दूंगी आपको। ठीक है, अब मुझसे पूछो किसके क्या सवाल थे, कौन मुझसे क्या पूछ रहा था। वेरी गुड, बताओ कौन क्या पूछ रहा था मुझसे, जल्दी बताओ आप।
टाइम नहीं है ज्यादा। हाँ देखो, मैं एग्जाम के लिए आपको बता रही थी, है ना। अब तो लग रहा है कि शायद मैं ही भूल गई हूँ मैं क्या बता रही थी आपको। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो मेरी हो गई है। हाँ कुछ इम्पोर्टेंट बता रही थी। अब एक्चुअल में सच बताऊँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल गई हूँ यार। मुझे याद करने दो 1 मिनट। किसी ने मुझसे कुछ पूछा था। अब क्या करूँ, तुम लोग, मेरा पढ़ाने में इतना ज्यादा ध्यान था कि मैं वो वाली चीज मेरे माइंड से निकल गई। नहीं एलिमेंट वाली बात नहीं है, एक्चुअली मेरे साथ में है ये चीजें कि ना मैं पुरानी की चीजें मैं भूलती जाती हूँ। मैं एक्चुअल ये नहीं कि सब चीज भूल जाती हूँ, जो मेरे काम की नहीं होती ना, मैं वो चीजें मैं भूलती रहती हूँ। एग्जाम प्रिपरेशन में आपको कुछ बता दी, मुझसे किसने क्या कहा था मुझे कोई एक बार बताओ, मुझे याद आ जाएगा। इतनी भी बेकार मेरी मेमोरी नहीं है, मुझे याद आ जाता है भाई। मनदीप जी ने आएगा कुछ कहा था कि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कहा था ना। हाँ चलो याद आ गया मुझे, तुम लोगों ने तो याद नहीं दिलाया मुझे। देखो मैं आपको ये बता रही थी कि आपके पास में अभी कितना आपको टाइम मिला था। हम लोग कब से क्लासेस कर रहे हैं अपनी, ऑलमोस्ट अगस्त से क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। अगस्त से क्लासेस करने के बाद में आप लोग ये देखो, डर लग रहा है, यही मैं आपको बता रही थी। अब यहाँ आप एक चीज देखो कि हमने यहाँ पे एक एक टॉपिक कवर किया है और हर एक चीज हम लोग स्लोली स्लोली पढ़ते चले गए हैं। वहीं पे पहले आपका क्या होता था कि आपको एग्जाम फॉर्म आपके आ जाते थे, एग्जाम फॉर्म जैसे आप फिल करके आते थे तब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते थे। मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो देखा है मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या, अब आपको पता है, आप लोग पहले से स्टडी करते आ रहे हो। अब हार्डली आपकी क्या है, 3 से 4 यूनिट आपकी रह गई हैं जो हम होपफुली इस मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। जो आने वाला जो आपका मंथ है उसमें मैं ज्यादा कोशिश करूंगी कि आपकी कंप्लीट करा ही दूं मैं। तो अब आप लोगों ने देखा है ना कि हमारे पास में क्या है कि एग्जाम जो फॉर्म है आपके, तो वो आपकी जो सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर तक आपका एग्जाम फॉर्म फिलिंग ही आपका चलने वाला है। जब तक ही आपका एग्जाम फॉर्म फिलिंग का होगा तब तक हम अपनी यूनिट है उनको पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये, हमारे अब हमारे पास में कितना टाइम बचेगा, अब हमारे पास में अक्टूबर तक अगर हमारा कोर्स हो जाता है तो हमारे पास में आप करीब से करीब ये मान लो कि आपकी छुट्टियां वगैरह हटा के, फेस्टिवल वगैरह हटा के 1 मंथ फिर भी हमारे पास में बचेगा। अब एक चीज बताओ, क्या आप 1 महीने में अपना पूरा रिविजन नहीं कर पाओगे, बताओ। पहले तो चीजें क्या होती थी कि आपको एग्जाम फॉर्म के बारे में आपको बताया जाता था कि एग्जाम फॉर्म फिलिंग हो रही है, तब जाके आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते थे। पर इस बात से आप लोग डिसएग्री करोगे पता नहीं, क्योंकि जो चीज मैंने देखी है होता था, लेकिन इस बार आपको टाइम ज्यादा मिला है, अच्छा खासा टाइम मिला है, जहां पे आपने अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से करी है। इस बार आपको प्रॉपर रिविजन के लिए टाइम मिल रहा है। आप पहले क्या था कि आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया, आप बस क्या करते, जल्दी 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 पढ़ते जाते थे लेकिन रिविजन नहीं कर पाते थे। बट इस बार आपको रिवीजन भी मिला है भाई, रिवीजन भी मिलेगा, तो आप में डरने की क्या जरूरत है। आपको तो बस चीज क्या करनी है कि आपकी जैसे ही सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आपके पास में क्या काम रह जाएगा कि जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करना, ठीक है। रिवाइज करना जितनी भी आपने यूनिट पढ़ी है उनको बस शॉर्ट तरीके से पूरा रिवाइज करना। अब आप लोगों के पास रिवीजन के लिए टाइम है, पहले आपके पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं होता था, तो इस चीज को एज अ एडवांटेजेस लो। पता है देखो हर दिन आप ये सोचोगे ना कि अरे यार मैं अब तो इतना कम टाइम बचा है, इतना कम टाइम बचा है, एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, तो ये सोचने के चक्कर में ही ना आपके एग्जाम भी आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। वही पहली चीज, दो तरीके के इंसान, ठीक है। पहले इंसान ने क्या सोचा, एग्जाम पास आ रहे हैं तो इस टेंशन में क्या है, एग्जाम एक दिन आ भी जाएगा। दूसरा इंसान क्या कर रहा है, ये इसको पता है कि एग्जाम पास आ रहे हैं, अब ये क्या करेगा, हर दिन
कि हर दिन मेरा एक कम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ने की मैं कोशिश करूं। तो उस कंडीशन में क्या है, ये पढ़ता, इसने सोचने पे टाइम वेस्ट नहीं किया, इसने सोचा भी साथ के साथ, ये अपना काम भी करता चला गया, है ना, पढ़ता भी चला गया। अब एक दिन फिर ऐसा आया कि एंड ऑफ द डे इसने देखा कि अरे यार अभी तो एग्जाम में अभी भी टाइम बचा हुआ है, तो इसका मतलब मेरे पास में एक्स्ट्रा टाइम अभी भी बचा है, इस एक्स्ट्रा टाइम में चलो अब मैं अपना रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ, कि अभी तक मैं रिवीजन ही करते आ रही थी, बट अब मैं और अच्छे से चीजें देख ले रही हूँ और चीजें अपनी पक्की कर ले रही हूँ। तो जहां पे ये इंसान सिर्फ सोचने में ही सोचते ही जा रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, और एग्जाम एक दिन आ गए, इस इंसान ने एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा, 10 में से एक चीज भी पढ़ी है, तो एक चीज पढ़ी तो है, वो चीज तो काम आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो इस तरीके से सोचो आप लोग कि एग्जाम आ रहा है, हमें पता है यार एग्जाम आ रहे हैं, तो उस बारे में सोच के क्या करना जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं है। एग्जाम आ रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो। ये थोड़ा है कि हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओगे, अब मैं आपको एकदम पुश करूं कि अरे नहीं भाई पढ़ पढ़ पढ़, ये चीज तो मैं नहीं कर सकती ना आपको। आप लोग ये खुद आपको देखना है कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी भी आप लोगों की प्रिपरेशन जैसी होनी चाहिए वैसी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, ये मैं आपको बता रही हूँ। मैं आप लोगों से 1000 बार बोलती हूँ कि आप अपना देखो यार, मैं एक चीज आपको बताऊं, पर्सनल लाइफ हर किसी की है, एवरी वन हैव देयर पर्सनल लाइफ। क्या मुझे एक बात बताओ, कि जो आपकी ये पर्सनल लाइफ है, क्या आपकी 2 महीने बाद रुक जाएगी, बताओ। वेरी गुड, क्या 2 महीने बाद आपकी पर्सनल लाइफ रुक जाएगी, क्या आपके दोस्त आपको छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर आपकी फैमिली है वो आपको छोड़ के चली जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, रहेंगे ना आपके पास में। तो जब आपको पता है जो चीजें आपके पास रहनी है, तो ये 2 महीना पूरा लग के अपना पूरा स्टडी को दे दो ना, उसमें दिक्कत क्या आ रही है। हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, वेस्ट थोड़े होंगे ये 2 महीने, आपने इतनी शिद्दत से मेहनत करी, आगे आपको क्या है, सिर्फ थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। अगर हम लोग तो यार देखो दोनों रेशियो लेके चल रहे हैं, हम पास का भी रेशियो लेके चल रहे हैं और फेल के बारे में भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, बट हम क्या है यहाँ पे 99% हम पास होने की सोच के चल रहे हैं, 1% हमने डाला हुआ है कि हो सकता है 1% कि फेल हो जाए। तब उस कंडीशन में आपने 99% तो पहले ही मेहनत कर ली थी भाई, फेल हो भी जाते तो आपको बस 1% ही तो आगे मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं बोलते हैं सबका होगा, मेहनत आपकी रहेगी तो सबका होगा, ऐसा कुछ नहीं बोलते कि नहीं होगा, मैं सोचना ही क्यों नहीं होगा, ये सोचो ना होगा, हम सोच ही नहीं रहे कि नहीं होगा, हमने तो ये सोचा हुआ है कि हमारा होगा, तो उसी हिसाब से, बट आपको प्रॉमिस करना होगा कि आपको उसी हिसाब से अपनी मेहनत भी करनी होगी यार। अगर आप मस्त बैठ के पूरे दिन में आपने 1 क्लास ले लिया और फिर बैठे हुए हो मजे से आराम से फोन चला रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो और सोच रहे हो कि हो जाएगा, तो भैया जयराम जी की, ना तो मैं आपको करा पाऊंगी ना कोई और करा पाएगा, टू बी ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेहनत तो आपको देखो करनी ही होगी। चलो मैं आपको अपनी लाइफ का जो मैं आपको एक बेस्ट जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है ना, मैं वो चीज आपको बता रही हूँ, कि एक मेरी जो लाइफ थी अभी कुछ 1 साल पहले की बात है, शायद 1 से 1.5 साल पहले की बात है, अब 2 साल होने को जा रहे हैं, कि मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था कि जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी। फैमिली भी चलो सेकेंड नंबर पे आ गई थी, सबसे पहले मैं ये सोच रही थी क्या मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं रहूंगी, ये वाला पॉइंट था मेरी लाइफ में। और इस पॉइंट पे पता है क्या, जब हॉस्पिटल बेड पे पड़ी हुई थी, तो सिर्फ एक ही चीज में सोच रही थी, मैंने मेरे पास मेरा फोन नहीं था, 1 हफ्ते तक मेरे पास मेरा फोन नहीं था, 1 हफ्ते बाद मैंने अपना फोन देखा ना, तो सीरियसली कुछ भी नहीं बदला था,
लोग अपनी रफ्तार से चल रहे थे जैसा उनको चलना होता है, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे। मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कुछ भी नहीं पड़ा होता है यार। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ नहीं पड़ा होता है। बट हाँ, जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तब आपके पास लोग आ जाते हैं, जब आप फेल हो जाते हो तब आपके पास लोग ताना देने के लिए आ जाते हैं। ये जो अचीवमेंट और फेलियर के बीच में जितना ये आप लोगों ने मेहनत की होती है, इस टाइम पे आपके पास में कोई भी नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपको पता होती है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं मेहनत बोलूंगी कि कितनी चीजें आपने यहाँ पे सेक्रीफाइस की हैं। इस बीच में आपके पास कोई नहीं आएगा। एक आपके अचीवमेंट पे आपके साथ लोग आ जाएंगे आपके पास में, और ये आपके फेलियर के टाइम पे आपके पास लोग आ जाएंगे और कभी नहीं आएंगे। तो इसीलिए ज्यादातर ज्यादा कोशिश ये किया करो कि आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद के लिए आप करो। अगर 2 महीने आप लोगों से बात नहीं भी कर रहे हो ना, मत करो यार। आप एटलीस्ट खुद को टाइम दो खुद, क्योंकि इससे आपको अचीवमेंट मिलेगी ना। तो ये जो 2 महीने में आपके पास से लोग गए हैं ना, वो सब के सब वापस आ जाएंगे। सच बोल रही हूँ। जब पता है, जब मैंने अपना वो अपना फोन देखा था ना, तो वहां पे जो मुझसे, और मुझे पता है कि कौन मेरे साथ में जेनुअन है और कौन फेक है, ये चीज मुझे अच्छे से पता है। तो जो लोग मेरे साथ जेनुअन थे ना, तो उन्होंने कंसेंट से पूछा कि इतने दिनों से तुम कहाँ गायब हो, ना कोई मैसेज है ना कोई कॉल है। तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास कोई फोन नहीं था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं। तो वहां पे मुझे पता चला कि हाँ भाई, अगर मैं नहीं भी रही, मैं अगर कहीं गायब भी रही, तो किस किस को मुझे टाइम देना है, किस किस को मुझसे फर्क पड़ेगा। तो इन लोगों को अगर आप टाइम नहीं भी दोगे ना, तो भी आपके पास ये लोग रहने वाले हैं, जो आपके लिए लाइफ में टेम्परेरी। आप उनको अपने दिन के 24 घंटे दे दो, फिर भी आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो इसीलिए चीजें, अपना जो टाइम है वो प्रोडक्टिव चीजों पे लगाओ, ना कि टेम्परेरी चीजों पे, ठीक है? तो अब यहां से समझ में आ गया मैं आपको कहां एग्जाम की लाइफ से आपको आपकी लाइफ पे ले गई। एग्जाम है आपका, एग्जाम के लिए अच्छे खासे अभी 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीने को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे लगाओ, और पढ़ाई भी इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लो कि दिमाग में यहाँ आपके छप जाए, ठीक है? मुझे यार, मेरा हो गया था, डेंगू हो गया था मुझे, और डेंगू मुझे बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन वाला हुआ था। सीवियर कंडीशन यानी कि लास्ट स्टेज वाला था मुझे। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि वी आर नॉट सपोज देन वी कैन सेव हर, बट यस, मैं अगर आज मैं उस टाइम पे अगर मैं ठीक नहीं होती, तो आज मैं आप लोगों से थोड़ा मिल पाती, है ना? आज अच्छी खासी बैठी हुई हूँ आप लोगों के सामने, और आप लोगों के साथ में बात भी कर रही हूँ मैं। तो मेरी लाइफ का पर्पस क्या था कि हाँ भाई, मैं अगर वो चीज मैंने वहां पे स्ट्रगल की है, उस फेज में ना मुझे बहुत कुछ सिखाया। सच में मुझे उसने सिखाया कि आपको अकेले कैसे लड़ना है ना? सच में अगर मैं उस टाइम पे ठीक नहीं हुई होती, मैं आगे नहीं बढ़ी हुई होती, तो आज मेरी आप लोगों से मुलाकात नहीं हो रही होती, मैं पता नहीं कहाँ होती फिर, है ना? कहीं ना कहीं मैं इस बात को बहुत ज्यादा ब्लेस मानती हूँ कि मैं आप लोगों की लाइफ में एक तरीके से एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ, वो एक अच्छे वे में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ। सीरियसली आई एम ग्लैड फॉर इट कि आप लोग मेरे पास में हो, कि मैं एक वो मैं सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हूँ आपकी, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का। अल्टीमेटली मैं आपको आपकी मंजिल तो खुद ही आपको मिलेगी, है ना? चलो भाई, आज बहुत हो गई गान की बातें, प्रवचन बहुत हो गया, ठीक है? नहीं यार, मैं सैड नहीं होती हूँ भाई, सैड होना मैंने छोड़ दिया। एक्चुअली मैं अपनी लाइफ से कभी भी मैंने शिकायत नहीं की है, मैं कभी सैड नहीं होती हूँ। बट हाँ, कभी कभी ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ आपको लगता है कि चीजें ऐसा क्यों हो गया। तो ये चीज है, मैंने पता अपनी लाइफ में कभी ये वाला वर्ड जो है ना, कि यार ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं अपने आप को ये ग्लैड मानती हूँ कि अगर मेरे साथ में वो सिचुएशन हुई है, तो इसका मतलब उसने मुझे कुछ, पता है, आप अपनी प्रॉब्लम से आप सीख लेते हो ना, तो वो कभी भी आपको बोझ नहीं लगती है। सच में थैंक यू, आई एम ग्लैड। इतनी तारीफ तुम लोग यार मेरे सामने करते हो, कभी जीतू भैया के सामने भी कर दिया करो, हैं? दूसरी जगह भी कर दिया करो।
यस इट्स अ ट्रू, सच में बोल रही हूँ। मेरी लाइफ में तो अगर आप मेरी जिंदगी के पन्ने पलट के देखोगे ना, तो हर पेज पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं ये बहुत ज्यादा अपने आप को मानती हूँ कि मुझे हर दिन उन्होंने फेलियर का सामना करवाया, क्योंकि उस फेलियर से मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। सच बता रही हूँ, मैंने अपनी ग्रोथ देखी। किसी ने चाहे मेरी ग्रोथ देखी हो या नहीं देखी हो, मैंने तो अपनी ग्रोथ देखी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं पहले कैसी थी और अब मैं कहाँ हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं यार, कि जिन्होंने मेरी बहुत ज्यादा टांग खिंचाई की है, बहुत ज्यादा मुझे रोका है। बट एक और चीज, चलो यहाँ से मुझे एक चीज और याद आ गई कि आप ना, आपका जो जब जो दिल में आए ना, ये और लिखती हूँ आपके लिए, ये बड़े बड़े शब्दों में लिख रही हूँ। बस अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ का अगर ये मंत्र बना लिया, देख लेना आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी बात कहीं लिख लेना, आपके कभी ना कभी लाइफ में बहुत काम आने वाली है ये। आपके अगर दिल में अगर अभी ये आ रहा है ना कि अरे यार मैं डांसिंग में बहुत अच्छी हूँ, सुनो भाई अपने डांस की, सुनो, करो वो चीज, कर डालो। बस सोचो मत कि कैसे होगी, क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, मुझे कोई अलाउ करेगा या नहीं करेगा। छोड़ो ये सारी चीजें यार, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये सब चीजें साइड करो, बस कर दो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि उन्होंने करना छोड़ दिया है। तो बस अपना करते जाओ, अपना काम करते जाओ, ठीक है? आज तो मैं एकदम मस्त आकांक्षा मैम ज्ञानी बाबा बन चुकी हूँ। चलो बहुत ज्ञान ले लिया तुमने, ठीक है? एग्जैक्टली यार, चलो अब इसी मोटिवेशन के साथ में हम अपनी क्लास एंड करते हैं, और अच्छे से पढ़ाई कर लेना, अपना ध्यान रखो, ठीक है? वो तो होता है यार। एग्जैक्टली ओके, थैंक यू। कुछ जो आज लास्ट में जो बातें बताई हैं, सीरियसली आपकी लाइफ से रिलेटेड मैंने आपको बताया। ये शायद आपको अभी समझ में ना आए, बट आगे चल के समझ आ जाए। क्या पता, क्या पता यही किसी को एक बात ऐसी लग जाए जो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाए। वी डोंट नो, हमें नहीं पता कौन सा मोमेंट हमारी लाइफ में चेंजिंग मोमेंट बन जाता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो इसी मोटिवेशन के साथ में अब मुझे आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, ठीक है? चलो बाय। ओके बाय बाय। भाई जैसी मंदीप जी की स्माइल है, बाकी सब लोगों की स्माइल कहाँ गई है? क्यों नहीं है सबकी स्माइल? क्यों नहीं है भाई, कहाँ है सबकी स्माइल? वेरी गुड, जबरदस्ती बताओ हंसवाना पड़ता है तुम्हें, कैसे कैसे बच्चे हो। ओके बाय।